संग मचाने मस्ती, बोरियत की खोल के रस्सी, खुशियों की लगाने डुबकी, आओ चलो सभी झूले लाल, गर्मियों में सबसे सही। झूले लाल वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, डे नाइट वाटर पार्क, स्लाइड फॉर किड्स एंड ऑल, फूड पार्क, स्नैक्स के साथ साउथ इंडियन फूड, इंडोर एंड आउटडोर गेम, वेव पूल, डीजे, रेन डांस एंड मेनी मोर। झूले लाल वाटर पार्क अपोजिट जैन वैली अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। और इस वक्त हम आपको जलगांव जिले की एकदम अहम खबर बता रहे हैं। जलगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए करण बाला साहेब पवार पाटिल की उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी, जबकि जलगांव जिला अधिकारी आयुष प्रसाद अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर रहे थे। साथ में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय रावत भी शामिल थे। करण पवार पूर्व संरक्षण मंत्री डॉक्टर सतीश अन्ना पाटिल, पूर्व मंत्री गुलाब राव देवकर और संपर्क प्रमुख संजय सावंत उपस्थित थे, जबकि माननीय पूर्व मंत्री जयंत पाटिल, विधायक जितेंद्र अवध, जलगांव जिले से पूर्व सांसद उमेश दादा पाटिल, चालीसगांव से पूर्व विधायक राजीव दादा देशमुख, सतीश तात्या दराड़े उपस्थित थे। इस अवसर पर एनसीबी के महानंदा मिल्क फेडरेशन के निदेशक प्रमोद पाटिल, शिवसेना जिला के नेता महेंद्र बापू पाटिल, चालीसगांव के शिवसेना तालुका प्रमुख रमेश आबा चौहान, शहर प्रमुख नाना कुमावत, प्रवक्ता दिलीप घोरपड़े, संभाजी सेना के संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण सिरसाट, तालुका आयोजक सुनील गायकवाड़ उपस्थित थे। अनेक गणमान्य नागरिक एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एक बहुत अहम और सबसे बड़ी खबर आपको बताता चलूं, शिवसेना उत्तवगढ़ को संभाजी सेना का एक बहुत बड़ा समर्थन मिला है। इस अवसर पर बापू साहेब लक्ष्मण सिरसाट ने संजय रावत को एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि संभाजी सेना ने सार्वजनिक रूप से शिवसेना उबाड़ा का समर्थन किया। इस समय संभाजी सेना के सारे पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। न्यूज नेशन, मुराद पटेल, चालीसगांव।